लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। बलौदाबाजार जिला के अंतर्गत विधानसभा बिलाईगढ़ में आज से लगभग एक माह पूर्व शासकीय अवकाश यानी रविवार के दिन बीईओ ऑफिस के समीप लगे लगभग 200 मीटर की दूरी में स्थित पूर्व माध्यमिक शाला टिकरीपारा के बने अतिरिक्त भवन के पीछे एक शिक्षक और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा कक्षा पहली से लेकर छठवीं व अन्य शासकीय पुस्तकों के साथ कई ज्ञानवर्धक पुस्तक तथा शासकीय रिकॉर्डों की जानकारियों सहित और अन्य रिकॉर्डों को आग से जलाकर नष्ट किया गया था और कमरों में बच्चों को बांटे जाने वाले गणवेश भी बरामद किया गया था, जिसकी खबर हमारे चैनल में बड़ी प्रमुखता से दिखाया गया था। उस दौरान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पीके शर्मा द्वारा आरोपी शिक्षक और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के ऊपर जांच कर कड़ी कार्यवाही करने की बात कही थी, जबकि शर्मा द्वारा जांच कर जिला शिक्षा अधिकारी को प्रतिवेदन प्रेषित करने की बात कही गई है। आप इस शाला समिति के अध्यक्ष हैं क्या? जी। क्या नाम है आपका? यज्ञ कुमार सिंह। अच्छा, यहाँ पर कुछ पुस्तकों को आग के हवाले किया जा रहा था और बता रहे हैं सामने वाले कि शाला समिति की वो निर्देश पर ही जला जा रहा है, क्या कहते हैं आप? हाँ, शाला समिति क्योंकि हमने पिछले साल ही स्कूल नया खुला है पहली और छठवीं का, तो इसके संबंध में कई बार जो बैठक व्यवस्था के संबंध में कई बार बीओ साहब का अवगत कराया गया, लिखित और मौखिक दोनों। बीओ साहब अपने जो सामान है उनको हटवा लीजिए बच्चों के, क्योंकि भविष्य का सवाल है, बैठने की व्यवस्था भी नहीं है और सांप निकल रहे हैं। पिछले बार मैंने स्वयं देखा था सांप थे, क्योंकि दीमक लगा हुआ है कमरों के अंदर में, जो पुस्तकें हैं पड़ी हुई हैं और जो कपड़े पड़े हुए हैं, तो कुछ तो अपना सामान ले गए और कुछ अभी सामान नहीं ले गए, तो कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं और जो बिल्कुल रद्दी है जो सड़ गया वो सामान छोड़ दिए हैं। तो शाला विकास समिति की मीटिंग करके 1 जुलाई को मीटिंग किया गया था, तो उसमें बीओ साहब के पास फिर गए थे। बीओ साहब ने कहा था कि उसको आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से यदि चाहें तो डिस्ट्राय कर सकते हैं, शाला विकास समिति इसके लिए सक्षम है। अच्छा, क्या उन्होंने आदेश दिया था कि सामानों को आग के हवाले किया जाए? नहीं, आग के हवाले किया जाए ऐसा कोई उन्होंने मतलब नहीं कहा है, लेकिन यह है कि डिस्ट्राय मतलब आप हटा सकते हैं, वहाँ पर साफ सफाई कर सकते हैं, क्योंकि दीमक लगा हुआ है और सांप बिच्छू यदि उसमें निकल रहे हैं तो निश्चित है उसको फेंकने पर फिर भी कहीं भी कोई दुर्घटना हो सकती है, इस कारण उसको जलाया गया। आपके आने के बाद जो है आपके स्कूल के पीछे में आग के हवाले किया हुआ है काफ़ी सारे पुस्तकें। हाँ, और यहाँ पर यह भी देखा गया कि पुराने बच्चों का गणवेश जो पड़ा हुआ है जी, उसमें भी दीमक वगैरह लगी है, कब से पड़ी है? गणवेश के संबंध में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि गणवेश पिछले साल अपन जब यहाँ स्कूल खुली तो देखे तो गणवेश रखा हुआ था, तो ये गणवेश इसके पूर्व का होगा। उसमें कई सारे ऐसे भी कागज है जो रिकॉर्ड पर रखी जा सकती है, लेकिन उसको भी आग के हवाले किया जा रहा था, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इसमें अधिकारी जो इनको अपना जो अच्छा समझे, जो उनके लायक समझे, उसको उन्होंने हटा लिया है और जो बिल्कुल सड़ गया था उसको छोड़ दिया है। अब छोड़ दिया है तो अब इसका तात्पर्य यही है कि उसमें अब दीमक पकड़ रहे हैं, कमरा को साफ करना बच्चों को बैठने के लिए और सांप बिच्छू हट जाए इसके उसके भविष्य बच्चों के भविष्य को ध्यान रखते हुए उसको सब जलाया गया। जो बुक रखा गया है वो कौन सा क्लास का है, कब का है? अब बुक सामान्य बुक है, अपन क्लास किस क्लास का है इसको नहीं बता पाएंगे। सर, शासकीय अवकाश का दिन था, ऐसे में पूर्व माध्यमिक शाला टिकरीपारा के से बने अतिरिक्त भवन के पीछे शासकीय पुस्तकों के साथ शासकीय रिकॉर्डों को जलाने का मामला सामने आया था। शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के टीचर्स हैं हमारे, मेरे पास आए थे और हमारे क्योंकि रिकॉर्ड पुराना रिकॉर्ड वहाँ पर रखा हुआ था, उसको मैंने दूसरे जगह ट्रांसफ़र करवा दिया था और जो दीमक लगे हुए कागजात वहाँ पे थे उसके लिए मैंने उनसे ये कहा था कि आप लोग इसको सुरक्षित आप लोग रखें, मैंने जलाने का कोई उनको निर्देश नहीं दिया था। सर, वही बच्चों को बांटे जाने वाले गणवेश और रद्दी सामान भवन में रखा था, क्यों और कब से रखा है? नहीं, इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पूर्व में और मुझे अभी इस कार्यालय में 5 महीना हो रहा है कार्यभार ग्रहण किया है और इस संबंध में जो है जो गणवेश की बात है, गणवेश वहाँ पे क्यों रखा हुआ है इस संबंध में मुझे या रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है इसकी भी जानकारी मुझे नहीं दी गई। सर, जलाने वाले शिक्षक और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा नष्ट करने का निर्देश दिया गया, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, नष्ट करने का मैंने कोई उनको निर्देश नहीं दिया है, जो पूरा जो कागजात जो है पूरे जो पुराने हैं एकदम पुराने हैं जो सही थे उन कागजात को मैंने अपने अलग जो है उसको मैंने रखवाया है और जो दीमक लगे हुए कागजात हैं उसको मैंने साफ करके अगर मान लो कोई अच्छा और उसमें होता है तो उसको सुरक्षित रखते हैं और इस संबंध में मुझे जैसे जला रहे हैं
तो इस संबंध में मुझे कोई उन्होंने जानकारी नहीं दी। सर, अवकाश के ही दिन सभी पानल फानल में जलाया जा रहा था, ऐसा क्यों? अभी इस संबंध में मुझे कोई भी जानकारी, जलाना है या नहीं जलाना है, क्या करना है, मुझसे कोई मार्गदर्शन उनके द्वारा नहीं लिया गया। सर, जलाने वाला शिक्षक और शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जो थे, उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अभी जो है इसको मैं संज्ञान में लिया हूँ और इन्होंने क्यों उसको जो रिकॉर्ड है उसको जलाया है, इस संबंध में मैं कार्रवाई करूँगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.